जब से यूपी सरकार अंधविश्वास मानदेय 17,000 के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गई है, तब से अंधविश्वास संगठनों में नई जान आ गई है। यानी कि कह सकते हैं यूपी सरकार ने नई जान फूंक दी है अंधविश्वास लीडर्स में, अंधविश्वास संगठनों में, जो कि अभी शांत बैठे थे अब सभी जाग गए हैं, ऐसा लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड न्यूज़। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अंधविश्वास न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त डी के देव। साथियों, एक पोस्ट देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर। प्रिय अंधविश्वास साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंधविश्वासों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच से एक वर्ष का मानदेय 17,000 देने का जो आदेश पारित हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल अपील की गई है, जिसमें समस्त अपील के याचिकाकर्ता क्रमशः इस प्रकार हैं। अब ये याचिकाकर्ता कौन है आपको हम इसमें दिखा रहे हैं। स्पेशल अपील संख्या 403 लखनऊ बेंच अनुराग अब्लिक विवेक सिंह। दूसरे नंबर पर स्पेशल अपील 399 लखनऊ बेंच अमित वर्मा व अन्य। तीसरी स्पेशल अपील 660 इलाहाबाद बेंच राकेश पटेल व आशुतोष शुक्ला। चौथे स्पेशल अपील इलाहाबाद बेंच 775 अनिता कुशवा। पाँचवीं हैं स्पेशल अपील 463 इलाहाबाद बेंच भोलानाथ पांडे व अन्य। छठी स्पेशल अपील है 465 इलाहाबाद बेंच भोलानाथ पांडे व अन्य, जिसमें डबल बेंच का निर्णय आने के बाद लखनऊ की लीडिंग अपील 403 याचियों अनुराग व विवेक सिंह तथा इलाहाबाद की लीडिंग 660 के मुख्य याचियों में राकेश पटेल तथा आशुतोष शुक्ला की तरफ से कैविएट दाखिल होने की वजह से स्पेशल अपील की जानकारी प्राप्त हुई। कैविएट की कॉपी व कैविएट में आए नोटिस की कॉपी संलग्न है। हालांकि स्पेशल अपील की स्क्रूटनी में होने की वजह से उसकी कॉपी अभी तक रिसीव नहीं हुई है। जल्द ही स्पेशल अपील राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता को रिसीव हो जाएगी। चूंकि लड़ाई लंबी है और कई बिंदुओं को सरकार एक्स्ट्रा लेकर आई है, इसलिए हाईकोर्ट इलाहाबाद व लखनऊ में मुकदमा लड़ने वाले समस्त याचियों ने संयुक्त होकर लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। इसी के क्रम में आज दिनांक 9/4/2023 यानी कि रविवार को याचियों में से राकेश पटेल, भोलानाथ पांडे, आशुतोष शुक्ला, राशेश कुशवाहा, संदीप सिंह के साथ ब्रजेश त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष जौनपुर रविन्द्र यादव, प्रेम बहादुर पाल आदि ने अंधविश्वास मामलों की विशेषज्ञ एवं सर्विस मामलों की मर्मज्ञ अधिवक्ता आदरणीय श्रीमती दुर्गा तिवारी जी से आगे की लड़ाई पर मंथन किया। अग्रिम योजना के अनुसार यह तय हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्पेशल अपील पर समस्त याचिकाकर्ता लखनऊ तथा इलाहाबाद दोनों बेंच के मिलकर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ताओं का पैनल बहस हेतु उतारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ताओं की ब्रीफिंग सिंगल बेंच एवं डबल बेंच से जीत दिलाने वाली आदरणीय श्रीमती दुर्गा तिवारी जी द्वारा दिल्ली चलकर स्वयं किया जाएगा। सीनियर अधिवक्ताओं से टेलीफोन से वार्ता हो चुकी है, जिसके लिए समस्त याचिकाकर्ताओं राकेश पटेल, भोलानाथ पांडे, आशुतोष शुक्ला, विवेक सिंह, राजेश त्रिपाठी व अन्य सभी याची के द्वारा सर्वसम्मति से सहयोग हेतु राकेश पटेल के बैंक खाता संख्या इतने इतने में आप सब के हर सहयोग का आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ अकाउंट नंबर दिया गया है। कृपया आप सब जल्द से जल्द सहयोग करें, जिससे इस सप्ताह श्रीमती दुर्गा तिवारी जी मैडम दिल्ली जाकर अग्रिम तैयारी पूरी कर ली जाए। धन्यवाद। आपका साथी राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व माध्यमिक अंधविश्वास कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, विधिक टीम व सहयोगी शस्त्रगढ़। आप सभी को यहाँ पर बताना चाहेंगे साथियों, इस समय चाहे राकेश पटेल हों, भोलानाथ पांडे हों या फिर विक्रम सिंह जी, सभी लोग तन मन धन से सुप्रीम कोर्ट में अंधविश्वास मानदेय 17,000 और अनवरत 2017 से अब तक मिले और आगे मिलता रहे, इसके लिए विक्रम सिंह जी पूरी कमर कस चुके हैं। अपनी अपील दायर कर दी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और डॉक्टर एपी सिंह साहब और पटवालिया साहब से मिलकर उन्होंने सारी मंत्रणा कर ली है, क्योंकि ये सब पहले से ही पता था कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और ऐसा ही हुआ, इसके लिए तैयारी कर ली गई थी। साथियों, यहाँ पर बताना चाहेंगे, इस समय सारे विवादों को समाप्त करते हुए अंधविश्वास एक मंच पर आकर एक साथ होकर संगठित होकर अपने संघर्ष को अंजाम दें। जीत निश्चित होगी, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना सदैव करते रहे हैं और करते रहेंगे। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपकी आवाज़ उठाता रहता है और आपके हक के लिए लड़ता रहेगा सदैव।
सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।